देख रहे हैं punjabkesari.com और बढ़ते हैं इस वक्त की पांच बड़ी खबरों। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि आज, पीएम मोदी समेत सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शनिवार को 31वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उनकी समाधि स्थल यानी कि वीर भूमि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजनाथ बोले, एलओसी पर भारत चीन झड़प का पूरा सच बाहर आया तो प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एलओसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए टकराव को लेकर एक बयान सामने आ रहा है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस झड़प पर ज्यादा कुछ बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन एलओसी पर जिस तरह से हमारी सेना ने साहस दिखाया है और करिश्माई काम किया है, अगर उसका पूरा सच सबके सामने आ गया तो हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा। भारत में हालात ठीक नहीं, बीजेपी चारों तरफ केरोसिन छिड़क रही, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पहले जैसा भारत हासिल करना चाहती है इसके लिए लड़ाई लड़ रही है, जबकि बीजेपी हमारी आवाज को दबाने की कोशिशें कर रही है। वेदर अपडेट, दिल्ली में अगले सप्ताह मिलेगी लू से राहत, इन हिस्सों में होगी झमाझम बारिश। दिल्ली के लोगों ने दिन में अधिकतम 44 से भी ज्यादा डिग्री पारा झेलने के बाद शुक्रवार को बारिश और धूल भरी आंधी के साथ राहत की सांस ली। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी की तरह उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले सप्ताह भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। कहा गया है कि एक के बाद एक पश्चिम विक्षोभ गर्मी से रुक रुक कर राहत देता रहेगा। अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में ओलावृष्टि और साथ ही साथ मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की गई है। सीएनजी एक बार फिर 2 रुपए प्रति किलो महंगा, 6 दिन बाद दूसरी बार हुई बढ़ोतरी। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक बार फिर तगड़ा झटका मिला है। जी हां, सीएनजी की कीमतें फिर से बढ़ा दी गई हैं। आपको बता दें, इंद्रप्रस्थ गैस ने दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 75 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। आपको बता दें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए सीएनजी की कीमत 78 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।